गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे उन प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जो बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन, इजी टू प्रोपगेट, मतलब कि ये अगर हम छोटी सी कटिंग भी अपने घर पे ले आएं और उसको हम लगा के और उसको बहुत ज़्यादा केयर ना कर पाएँ, पानी ना दे पाएँ, बहुत ज़्यादा खाद भी ना दे पाएँ, तब भी हम अपने घर को ग्रीन बना सकते हैं, अपने घर को सुंदर बना सकते हैं और लो मेंटेनेंस से हम नेचर अपने घर में ला सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। सबसे पहले ये ड्रेसिना प्लांट देखिए दोस्तों, इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं। कलर्स इसके आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ डार्क कलर हो जाते हैं, साइड्स में पिंक कलर है इसमें, और इसमें ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। और एक छोटी सी आप इसकी डंडी लगा के या इसकी जड़ों में भी इसके पॉप्स निकले होते हैं, इनको आप अपने घर पर ला सकते हैं, कहीं से भी इसकी कटिंग ला करके आप इसको लगा सकते हैं। और ये बड़ा हो चाहे छोटा हो, बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। तो आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर शामिल करें और आप इसके कलर से बहुत खुश होंगे। ये देखिए कितने सुंदर इसमें कलर्स आते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की ज़्यादा पानी और खाद वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो इसमें 5-6 दिन में भी पानी दे देती हूँ और बहुत ज़्यादा मिट्टी में इसके मतलब इतनी खाद भी नहीं डालती हूँ। कभी कभी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दे देती हूँ और साल में एक बार इसमें मैं खाद डालती हूँ, लेकिन तब भी मेरे पास ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और इस तरह से मैंने जब 1-2 साल पहले अपनी गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त मेरे पास एक प्लांट था, लेकिन आज मेरे पास इसके 4-5 प्लांट हैं और ये सब मैंने एक प्लांट से ही बनाए हैं। चलते हैं अब दूसरे प्लांट की तरफ। तो ये दूसरा प्लांट है, ये पर्पल हार्ट प्लांट है और इसकी पत्तियाँ पर्पल कलर की होती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये अभी तो इसमें थोड़ा सा ऐसे धूल धूल सा हो जाता है इसकी पत्तियों के ऊपर, तो साफ़ करने पर ये चमक जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और इजी टू केयर है, बहुत इजीली ये केयर हो जाता है, इसकी केयर हो जाती है। इसकी एक छोटी सी डंडी भी अगर आप लगा देंगे तो ये पूरा गमला भर जाता है। छोटे प्लांटर में भी ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बड़े प्लांटर में भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। तो कहीं से भी अगर अपने आसपास से कहीं से भी आपको इस तरह की कोई डंडी मिले तो आप उसे अपने घर में लाएं और कुछ समय बाद ही देखेंगे कि आपके पास एक अपना पूरा पॉट आपका भर जाएगा और इससे आप अपने बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तीसरा प्लांट है दोस्तों, ये डेविल्स बैकबोन, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियाँ कभी कभी पिंक भी हो जाती हैं, अभी तो ये वाइट है, बीच में ग्रीन है और साइड्स में आप देख रहे होंगे वाइट वाइट हो रही है। और ये भी बिल्कुल इजी टू ग्रो है, इजी टू केयर है, इजी टू मेंटेन है। इसमें भी आप इतनी सी डंडी ला करके कहीं से भी अपने आस पड़ोस से इसको अपने घर पे लगाइए। इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है और पानी भी ये बहुत ज़्यादा बार बार इसको पानी नहीं, 3-4 दिन पानी नहीं डालेंगे तब भी ये अच्छे से चलता है दोस्तों। और इस तरह से आप ये जो प्लांट्स हैं इनको अपने गार्डन में शामिल करके अपने घर को हरा भरा और सुंदर बना सकते हैं। चौथा प्लांट मैं जो आपको ये बता रही हूँ ये है स्नेक प्लांट और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। नासा ने इसको बेस्ट इंडोर प्लांट्स में शामिल किया है। ये सेंसिवेरिया भी इसे कहा जाता है और बहुत ज़्यादा इजी है, ये बहुत बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी अच्छा लगता है छोटे प्लांट्स में। और इसकी ऑक्सीजन लेवल अगर आप अपने गार्डन का बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए।
इसका नाम तो नहीं पता, पर ये बेबी, आई थिंक बेबी टीयर्स प्लांट है, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं इसकी एक बहुत छोटी सी डंडी लेकर के आई थी, और ये जो है मैंने इसको जब इसको लगाया है तो ये जल्दी से मेरा ये पॉट जो था पूरे अच्छे से भर गया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लगता है। और इस पे छोटे 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 इस तरह के इसके येलो ग्रीनिश मिक्स से जेस्चर होता है इसका, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें भी वही है, बहुत ज़्यादा आपको खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी बार बार इसको नहीं चाहिए। 2-3 दिन अगर आप नहीं भी देंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। और इसके बाद मैंने इससे अपने बहुत से छोटे छोटे प्लांटर्स बनाए हैं, तो आप इसको भी कहीं से भी आप आसपास आपको ये मिले तो आप अपने गार्डन में से ज़रूर शामिल कीजिए। प्लांट है दोस्तों ये कोलियस का प्लांट, ये भी ये कई रंगों में मिलता है, और इसमें इसकी जो लीव्स होती हैं ऑर्नामेंटल होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, इससे इसके कलर इतने ब्राइट्स नहीं आए हैं, लेकिन गर्मियों में रेनी सीज़न में ये बहुत ही खूबसूरत कलर में नज़र आता है। और ये बहुत इजी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस है इसकी, आप एक छोटी सी डंडी भी लगा देंगे तो ये आपका बहुत अच्छे से चलेगा। और इसे आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक ये छोटे पॉट में इसको लगाया है, और ये बहुत ही सुंदर लगता है, और अपने गार्डन को ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो आप इसे भी अपने गार्डन में शामिल कीजिए। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन में ही 2-3 दिन में के बाद भी अगर आप इसको पानी देंगे तो ये अच्छे से चलता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत इजी टू ग्रो और बहुत ही सुंदर लगने वाला पौधा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, और इसको केयर करना बहुत इजी है। इसमें इस तरह के बेबीज़ निकल आते हैं छोटे छोटे, और इनको अगर आप इस तरह से लगा देंगे, ये इनकी जड़ होती है ऐसे, अगर मिट्टी में आप इनको ऐसे लगा देंगे तो ये अपने न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें नीचे से भी हम इनको अलग कर सकते हैं और अपने लिए नए पॉट्स तैयार कर सकते हैं, तो इसको प्रोपगेट करना भी बहुत आसान होता है। ये देखिए तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाला पौधा है, और आप घर में ये बहुत प्यारा लगता है। ये इसकी कई वैरायटी होती हैं, जैसे कि एक ये भी है इसकी वैरायटी, इसमें बीच में ग्रीन है और साइड्स में वाइट है, जबकि इसमें बीच में वाइट है और साइड्स में ग्रीन है। इसकी पत्ती लीव्स जो है ब्रॉड है, और इसकी जो लीव्स थोड़ा नैरो है। तो इस तरह से ये और भी कई वैरायटीज़ में मिलता है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है, इजी टू मेंटेन है। आप इसको भी कहीं से भी ला करके एक छोटे से पॉप से भी, इसमें जो निकलते हैं इससे भी आप इससे अपने घर में ला करके इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये टर्टल वाइन है, और ये भी बहुत इजी टू ग्रो होती है। इसकी आप अगर एक छोटी सी डंडी भी लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगती है, और बहुत जल्दी ये फैल जाती है। आप इनको हैंगिंग प्लांटर्स में लगाइए या फिर आप इनको पॉट्स में लगाइए, ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, और आप ग्रीनरी से भर देती हैं घर को। तो आप इसको ज़रूर लेके आएँ, और इसकी खूबसूरती देखिए, इसमें कितने मतलब वेरी करता है कि लाइट के अमाउंट पे वेरी करता है, कहीं पे ये ग्रीन ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे पिंकिश हो जाता है, कभी ये अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसलिए ये थोड़ा इसमें रेडिश ये दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर लगता है, घर को बहुत खूबसूरत करता है, और बहुत ईजी टू मेंटेन है। आप इसमें एक हफ्ते भी पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, फिर भी ये अच्छे से चलता है। ये भी एक नेक्स्ट प्लांट है, नेक्स्ट तो नहीं कहूँगी, पर ये भी टर्टल वाइन की तरह एक वाइन है, और इसमें इसके पत्ती थोड़ा बड़ी होती है ना, और इसमें काफ़ी पानी भरा हुआ होता है। और ये भी दोस्तों बहुत इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर है। मैं इसकी भी एक छोटी सी डंडी में लेकर के आई थी, इस तरह से ये लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है, और इसको मैंने अपने घर में बहुत जगह पे फैलाया हुआ है। अभी ये यहाँ से कटिंग मांग रही है, मैं इसको यहाँ से सब कट कर दूँगी तो ये फिर से ग्रोथ करेगी और बहुत सुंदर लगती है। इसमें भी ये देखिए, मैंने इसमें यहाँ पे ये लगाई है,
टूट भी गई है, टूटी नहीं है ये, यहाँ पे मैंने लगाई है। ये कितनी लंबी होकर के आई है यहाँ से, और इस प्लांटर में मैंने देखिए स्पाइडर प्लांट भी लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो देख के अगर आपने अपने गार्डन में इनमें से कोई भी प्लांट ऐड किया है, कुछ नया किया है, और तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने गार्डन को हरा भरा कीजिए, ग्रीनरी फैलाइए, पर्यावरण को शुद्ध कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।